हेलो फ्रेंड, मैं हूं निक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वुमेन्स टी20 एशिया कप का जो 11th मैच होने वाला है बांग्लादेश वुमेन वर्सेस मलेशिया वुमेन विच इसके ड्रीम 11 टीम के बारे में। सो फ्रेंड, इस वीडियो में ड्रीम 11 टीम तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ इस मैच से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट स्टैट्स भी देखेंगे और इस मैच से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस मैच से रिलेटेड एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में अभी जो मैं आपको ड्रीम 11 टीम देने जा रहा हूं, अगर बाय चांस टॉस के बाद उस टीम में अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने का जरूरत पड़े तो मैं जो भी चेंजेस करूंगा सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। सो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी ये आप देख लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लगभग 14,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। सो यही पे आपको ज्वाइन होना है, निक मेरा प्रेडिक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आइए सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये मैच होने वाला है दाम्बुला में और दाम्बुला का वेदर एकदम क्लियर रहेगा, बारिश का कोई चांसेस नहीं है। वही बात करते हैं इस पिच के बारे में। तो इस पिच पे अब तक टोटल 9 मैच खेले गए हैं जिसमें से 3 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है और 6 मैच बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है। जो भी टीम टॉस जीतकर यहाँ पे पहले बॉलिंग करती है ज्यादातर मैचेस वही टीम यहाँ पे विन करती है। वही बात करते हैं एवरेज स्कोर के बारे में। तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 140 है और जिस पिच पे भी एवरेज स्कोर 140 या फिर 140 से ज्यादा होता है उस पिच को बैटिंग के लिए बहुत अच्छा पिच माना जाता है। सो बैटिंग फ्रेंडली पिच है। वही बात करते हैं बॉलिंग में, तो बॉलिंग में यहाँ पे मोस्टली स्पिन बॉलर को ज्यादा विकेट मिल रहा है फास्ट बॉलर के मुकाबले। इस पिच पर अभी जो लास्ट मैच खेला गया उस मैच में भी यही चीज देखने को मिला। जो लास्ट मैच खेला गया तो वो खेला गया था पाकिस्तान वुमेन वर्सेस यूएई वुमेन के बीच इसी टूर्नामेंट का 9th मैच। उस मैच में टोटल 8 विकेट गिरे थे जिसमें से 7 विकेट स्पिनर को मिला था, 1 रन आउट हुआ था और फास्ट बॉलर को तो 1 विकेट भी नहीं मिला था। ये आंकड़े देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पिच पे फास्ट बॉलर के मुकाबले स्पिन बॉलर को ज्यादा विकेट मिलता है और लगभग हर मैच में यही देखने को मिल रहा है। सो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ड्रीम 11 टीम तैयार किया हुआ है। सो ड्रीम 11 टीम देखने से पहले प्लेइंग 11 और प्लेयर्स स्टैट्स देख लेते हैं ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिल जाए कि हमने जिन प्लेयरों को अपनी टीम में रखा हुआ है किस लिए रखा हुआ है। सो आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेइंग 11 और प्लेयर्स स्टैट्स के बारे में। तो बांग्लादेश टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई दे देंगे डी अख्तर और एम खातून। डी अख्तर उतने कुछ खास प्लेयर नहीं है, इनको आप लोग छोड़ दीजिएगा। एम खातून को ले लीजिएगा, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है, पिछले मैच में भी 50 रनों की बहुत अच्छी पारी खेलकर आ रही है। सो इन्हें आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। इनके अलावा आई तंजीम को छोड़ सकते हैं, उतनी कुछ खास प्लेयर नहीं है। आर मोनी को ले लीजिएगा, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छा करती है, बॉलिंग भी बहुत अच्छा करती है, अभी पिछले मैच में बॉलिंग में 2 विकेट लेकर आ रही है। सो यहाँ से आर मोनी को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। आर अहमद का बात किया जाए तो ये भी ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छा करती है, बॉलिंग भी अच्छा करती है, इन्हें भी आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। एन सुल्ताना बांग्लादेश वुमेन्स टीम की कैप्टन है और एक भरोसेमंद प्लेयर है, बैटिंग भी करती है, विकेट कीपिंग भी करती है और अभी पिछले मैच में 48 रन की बहुत अच्छी पारी भी खेल कर आ रही है, यानी कि करेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है। सो एन सुल्ताना को ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके अलावा आर खान, इनका पूरा नाम है रुबिया खान, बहुत अच्छी प्लेयर है, अभी पिछले मैच में 4 विकेट लेकर आ रही है और इस मैच में मुझे लगता है 5 विकेट भी ले सकती है क्योंकि मलेशिया टीम का बैटिंग बहुत ही ज्यादा वीक है। पिछले मैच में मलेशिया की टीम श्रीलंकन टीम के अगेंस्ट 31 रन पे ऑल आउट हो गई, सिर्फ 31 रन बना पाई और 10 विकेट गिर गया। इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलेशिया टीम का बैटिंग कितना वीक है। मुझे लगता है इस मैच में रुबिया खान 5 विकेट भी ले सकती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, गलती से मिस ना करें, इन्हें आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। एस अख्तर को छोड़ दीजिएगा, उतना कुछ खास बॉलिंग नहीं कर रही है। एन अख्तर को ले लीजिएगा, बहुत अच्छी प्लेयर है, अभी लास्ट सेकेंड मैच में 3 विकेट लेकर आ रही है, मुझे लगता है इस मैच में भी 3 विकेट ले सकती है क्योंकि काबिलियत है, बहुत अच्छा बॉलिंग करती है। सो एन अख्तर को ले लीजिएगा। एम अख्तर फास्ट बॉलर है, जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, इन्हें भी आप ले लीजिएगा।
और एस नहर जो पिछले मैच में जबरदस्त बॉलिंग करके आ रही है, 2 विकेट लेकर आ रही है, सो इन्हें भी आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। सो देखिए कुछ ऐसा ही प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर इस मैच में बांग्लादेश टीम का होने वाला है। आइए अब बात कर लेते हैं मलेशिया टीम के प्लेयर्स स्टैंड, प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर के बारे में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से फ्रेंड हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ से मलेशिया टीम के प्लेइंग 11 प्लेयर्स स्टैट और बैटिंग ऑर्डर के बारे में, उसके बाद डायरेक्ट ड्रीम 11 टीम देख लेंगे। तो मलेशिया टीम की तरफ से ओपनिंग आएंगे डब्लू दुराई सिंगम और डब्लू जूलिया। डब्लू दुराई सिंगम बहुत अच्छी प्लेयर है, ऑलराउंडर मानी जाती है, और बता दूं मैं आप लोगों को डब्लू दुराई सिंगम मलेशिया वुमेन्स टीम की कैप्टन भी है। और कैप्टन देखिए कोई ऐरा गैरा प्लेयर नहीं होता है, किसी भी टीम का कैप्टन अगर उसमें कुछ खास बात होता है तभी कैप्टन बनाया जाता है। और डब्लू दुराई सिंगम में खास बात है कि ये बैटिंग भी बहुत अच्छा करती है, बॉलिंग भी बहुत अच्छा करती है। बैटिंग में ओपनिंग आती है और बॉलिंग में भी ओपनिंग आती है और 4 विकेट मतलब पूरा 4 ओवर बॉलिंग करती है। सो बहुत अच्छी प्लेयर है, अभी पिछले मैच में भी 2 विकेट लेकर आ रही है श्रीलंका टीम के अगेंस्ट। सो डब्लू दुराई सिंगम को ले लीजिएगा, उससे पहले वाले मैच में उन्होंने 22 रन बनाने के साथ साथ 1 विकेट भी निकाला था। सो दुराई सिंगम इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें आप ले लीजिएगा। डब्लू जूलिया भी ठीक ठाक प्लेयर है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। लास्ट सेकेंड मैच में 52 रनों की अच्छी खासी पारी खेल कर आ रही है, सो डब्लू जूलिया को आप ले सकते हैं। ई हंटर को छोड़ दीजिएगा, उतनी कुछ खास प्लेयर नहीं है। एम स्मेल को रख लीजिएगा, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, पिछले 2 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। अभी पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट निकाला था, वो भी बहुत कम रन देकर 1 विकेट निकाला। उससे पहले वाले मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाला, टोटल 4 विकेट ले चुकी है। सो एम स्मेल इंपॉर्टेंट रहेंगी, इन्हें आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। ए हासिम को छोड़ दीजिए, उतनी कुछ खास प्लेयर नहीं है। जे इंतन को भी छोड़ दीजिएगा, ए नजवा को भी छोड़ सकते हैं, ये भी बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। एस मनी वनन को ले लीजिए, ये बहुत अच्छी प्लेयर है, पिछले 2 मैच से लगातार विकेट ले रही है, इनको आप ले सकते हैं। ए एलिसा ये भी अच्छी खासा बॉलिंग करती है, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। डी मोहनन को छोड़ दीजिएगा और ए सोरफिना को भी छोड़ दीजिएगा, दोनों उतने कुछ खास प्लेयर नहीं है। सो कुछ ऐसा ही प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर इस मैच में मलेशिया टीम का होने वाला है। आइए बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। उससे पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में अभी जो मैं आपको ड्रीम 11 टीम देने जा रहा हूँ उसमें अगर टॉस के बाद मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम पे बताऊंगा। सो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए टेलीग्राम पे ज्वाइन होने से आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। पहला फायदा तो आपको ये हो जाएगा कि इस वीडियो में अभी जो मैं आपको ड्रीम 11 टीम दे रहा हूँ इसमें कोई भी चेंजेस करूंगा तो सबसे पहले टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। दूसरा फायदा ये होगा कि टॉस के बाद देखिए बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, जैसे प्लेइंग 11 अपडेट हो गया, टॉस अपडेट हो गया, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, इंजरी से रिलेटेड अपडेट, टीम न्यूज, मतलब टॉस के बाद जितने भी अपडेट्स आते हैं सारे अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है। इसके साथ ही साथ जिस मैच का भी मैं वीडियो बनाता हूँ वीडियो का लिंक भी मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। इसके अलावा मैच खत्म होने के बाद जो भी हमारी टीम का परफॉर्मेंस रहता है उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। बहुत सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, अगर मेरे टीम से खेल रहे तो आपको जरूर ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं टीम देने जा रहा हूँ उसमें मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा तो टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। और अगर आप टेलीग्राम पे रहेंगे तो आपको पता चल पाएगा, अगर आप नहीं रहेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा, एकदम क्लियर सी बात है। सो टेलीग्राम पे ज्वाइन होइएगा, बाकी ज्वाइन होने में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर देंगे। आइए बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो इस मैच की ये हमारी ड्रीम 11 टीम रहेगी, जहां पे हमने विकेट कीपर में एन सुल्ताना, बैटिंग में आर मोनी, एम खातून, ऑलराउंडर में आर अहमद, एम इस्मेल, डब्लू दुराई सिंगम, और बॉलिंग में एन अख्तर, एस नहर, एम अख्तर, आर खान और एस मनीवन। कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट लग रही है आर खान, मुझे लगता है 4-5 विकेट ले सकती है, और वाइस कैप्टन के लिए एन अख्तर, ये भी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रही है, ये भी 3-4 विकेट ले सकती है इस मैच में। सो ये दोनों ही मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस लग रही है।
बाकी इन दोनों के अलावा अगर आप किसी और को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको कुछ ऑप्शन बता देता हूँ जिनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप एम खातून को ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है, अभी पिछले मैच में 50 रनों की बहुत अच्छी पारी खेल कर आ रही है, सो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। आर मोनी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छा करती है, बॉलिंग भी बहुत अच्छा करती है, अभी पिछले मैच में भी 2 विकेट लेकर आ रही है, सो आर मोनी को ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ से एस नहर, ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग, मतलब बहुत अच्छा बॉलिंग करते हुए पिछले मैच में भी 2 विकेट लेकर आ रही है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। डब्लू दुराई सिंह बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छा करती है, बॉलिंग भी अच्छा करती है, सो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ये 4 प्लेयर भी इस मैच में मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है और मुझे लगता है ये चारों ही इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, सो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो इन चारों में से भी किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आर खान और एन अख्तर, ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मुझे सबसे बेस्ट चॉइस लग रही है और फिलहाल के लिए यही दोनों हमारी टीम की कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे और फिलहाल के लिए यही हमारी फाइनल ड्रीम 11 टीम रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये टीम आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, और वीडियो से अगर आपको हेल्प मिला है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम हो, जहां शेयर करना चाहे वहां पे आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर देंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसके कमेंट को मैं लाइक भी दूंगा, हॉट भी दूंगा, पिन भी कर दूंगा, इसके अलावा उसके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, सो कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा, आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। सो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।